को धमकाता फिरता है। अगर मर जाए मुझसे बात कर। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने देवी का कुछ जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुला। एक्सीडेंट हो गया सुल्ताना। कैसे? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। तुम ऑफिस का ख्याल रखना प्लीज। अभी नहीं, एनेस्थीसिया के असर से उसको अभी होश नहीं आया, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, ही इज ऑल राइट। अगर तुम कल नहीं आई तो मैं सामान लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा, समझी? ओके। ना ही मिलो तो इंडस्ट्रीज को तुम्हारी वकालत की जरूरत है, और ना ही ऋषभ मिलो तो तुम्हारे बनावटी प्यार की, समझी? नाउ यू बिलीव। अब मुझसे किसी भी मदद की उम्मीद तब करना जब तुम और तुम्हारे वर्कर्स मिलकर ऋषभ पर हमला करने वालों को पुलिस के हवाले करेंगे। कब से सुन रहा हूं, अब कर रहा हूं, तब कर रहा हूं, ये अब तब जब की माला जपना बंद करो छोटे नवाब, बंद करो। उसे जितना खुला छोड़ोगे वो उतना ही बेकाबू हो जाएगा। अगर तुम्हारे बस में नहीं है तो बोलो, मैं कुछ और बंदोबस्त करूं। क्या बोले अकड़ी साहब, अपन इंतजार कर रहा था कि बुढ़ा शायद काबू में आ जाए, लेकिन मुझसे अब ये सर पर लटकती तलवार बर्दाश्त नहीं होती। वैसे ही मल्होत्रा खानदान में खलबली मची हुई है, कहीं वो इसका फायदा उठाकर चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गया तो मेरी ख्वाहिशों का खून हो जाएगा। इससे पहले बुड्ढे का कत्ल करना जरूरी है, समझे? आप फिक्र मत करो केडी साहब, जितनी जल्दी हो सकेगा ना अपन उस बुड्ढे को ठिकाने लगाता, बस आप खबर का इंतजार करो। नीतू, घर पर कोई नहीं है। नीतू है कहाँ? वो जाने और भगवान जाने, लेकिन आपको क्या काम है उसे? देखिए, आप मुझे बता सकती हैं कि इस वक्त नीतू कहाँ जा सकती है? मैं आपको क्या समझाऊं, दो पड़ोसियों को आपस के बारे में ज्यादा मालूम होता है, लेकिन हमारे घर की हालत कुछ अजीबोगरीब है। हम लोग एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। देखिए, मैं वो सब डिस्कस करने नहीं आया हूँ, आप जरा पता करने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त नीतू है कहाँ। आप कौन होते हैं मुझे बताने के लिए कि मुझे क्या करना है? आप क्या घर में घुसकर मेरे सर पर बैठने आए हैं? देखो मिस्टर, महीन को तुमने अपने घर में पना देकर उस पर एहसान किए होंगे, लेकिन मेरे घर पर और मुझ पर तुम्हारी कोई एहसान नहीं। देखिए, आप तो अजीब ही ढोल पीट रही हैं। मैं तब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बेटी नीतू किसी मुसीबत में है, और आप बातों का अलग ही एंगल दे रही हैं। अपने वॉल्यूम को जरा धीमे कीजिए, आपकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही, इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बेटी नीतू की मुसीबत से कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल कोई वास्ता नहीं है। वैसे मेरी बेटी का एक बाप भी है जो अपने बेटियों के नजरों में ना बहुत बड़ा धर्मात्मा है, उनके पास जाइए, शायद वो इंटरेस्टेड होंगे। देखिए, वो इस शहर में होते तो मैं आपके पास आने की जरूरत भी नहीं समझता। ओह वेरी गुड, वो इस शहर में नहीं है। क्यों, अपनी उस देविका के साथ तीसरा हनीमून मनाने गए हैं क्या? मुझे नहीं पता। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें शीला के बारे में भी मालूम था, और तुमने महेन को शह देकर उसकी जिंदगी बर्बाद की है। हाँ, की है। चलिए, मैं मान लिया कि मैंने मिस्टर महेन मल्होत्रा की जिंदगी बर्बाद की, लेकिन आप भी तो उन्हें नहीं बचा पाए। लेकिन आपको अगर अपनी बेटी नीतू को किसी आफत से बचाने का शौक लग जाए तो उस पर जरा नजर रखिएगा। गुड बाय। कमाल है, घर वालों को एक दूसरे की चिंता नहीं है, बाहर वाले खामा की चिंता में दुबले हो रहे। हेलो जी, हाँ मैं निशी बोल रही हूँ। क्या बात है मिकी, तुमसे रहा नहीं है? अरे मिकी छोड़ो पुरानी बातें। अच्छा सुनो, हाँ हाँ तुम मेरी बुरी आदत ही सही, लेकिन आजकल मेरा गुजारा बुरी आदतों पर ही होता है। अच्छा मिकी बताओ, कहाँ से बोल रहे हो? अब भी आ रही हूँ, अब भी। स्वेतलाना, ऑर्डर। दरअसल डॉक्टर से तो हमें वॉर्न कर दिया था कि जब पट्टी खुलेगी तो शायद खून निकलेगा, लेकिन क्योंकि तुम अचानक आई हमने खून देना तुम बेहोश हो गए।
सॉरी। ऋषभ कैसा है? बिल्कुल ठीक है। ऋषभ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। क्यों, मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? अच्छा, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो पूजा का चेहरा देख के यकीन कर लो। ऐसा करो, कॉफी पी के घर जाके थोड़ा आराम करो। माँ, स्वेतलाना आप कैसी है? मैंने इसे घर भेज दिया है, बहुत थकी थी बेचारे। थक पे तू भी गई है माँ, ना तुझे भी घर जाके आराम करना चाहिए, है ना? नहीं भाई, आई एम फीलिंग मच बेटर। किसी ना किसी को तेरे पास बैठना चाहिए क्या? माँ जी, हम यहाँ पे रुक जाएंगे। हाँ माँ, पूजा मुझे संभाल सकती है, तुम घर जाके रिलैक्स करो। आई बी फाइन। ठीक है, मैं घर जाके चंद घंटों में वापस आ जाऊँ। ओके माँ। ओके, ऋषभ, जिस आदमी ने तुम पे हमला किया था, क्या तुम उसको पहचान पाओगे? ओ माँ, मैं अभी इतना ठीक नहीं हो गया कि उन बातों को अभी डिस्कस करूँ। ओके, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। आई एम वेरी सॉरी, फॉरगिव मी बच्चे। इसका ख्याल रखना है? जी माँ जी। ऐसे मुझे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम ख्याल रखो। लव यू। बाय माँ। माँ जी को बड़ा इत्मीनान हुआ कि आप ठीक हुए। वो तो होना ही था, आखिर माँ है मेरी। और तुम्हें? हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं, हमें तो दोहरी खुशी हुई है। दोहरी? क्यों? एक तो आप सही सलामत हैं, और दूसरा लगता है कि माँ जी और स्वेतलाना जी के बीच जो तनाव था वो थोड़ा कम हुआ है। अरे त्यागी, तुम कहा हम अंदर आ सकते हैं सब भाई? हाँ, आ जाओ आ जाओ, अंदर आओ। जी हम थोड़ी देर में आते हैं। ओके पूजा। भाई मुझे तो इसी बात की हैरत हो रही थी कि तुम अभी तक कैसे नहीं आए, क्योंकि तुम तो उन लोगों में से हो जो मुसीबत के वक्त सबसे पहले पहुंचते हो। आओ बैठो, कहो कहां थे अब तक? आपसे अपना मुंह छुपाते घूम रहे थे। क्यों? मुझे तुम्हारा चेहरा आज भी उतना ही अच्छा लगता है जितना कि कल लगता था। तुम्हें अपना मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स। ये जो हुआ और ये जो हो रहा है ना, सब हमारी वजह से हो रहा है। हमारी लापरवाही का जुर्माना तुमका भरना पड़ रहा है। त्यागी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, अपने दिल पर ये बेकार का बोझ मत रखो। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, और अब छोड़ो इन बातों को। अगर हमसे ऊपर वाला भी कहे ना ऋषभ भैया, तो भी हम छोड़ूंगा ना ही, ना ऊ को जो वो हादसा फैक्ट्री में करवाया, ना ई को जो तुम पर ही हमला किया। ससुरे ने तुम पर हमला करके अपना सर हमरा उखली में दे दिया है। शर्म की बात है, और उससे बड़ी शर्म की बात यह है कि किसी के चेहरे पर मुझे कोई शर्म दिखाई नहीं दे रही है। कोई अफसोस नहीं है कि ऋषभ मल्होत्रा सिर पर घाव लिए हुआ अस्पताल में पड़ा हुआ है। देखिए जनाब, अब यह तो एक दिन होना ही था, आज नहीं तो कल हो जाता। मजदूर लोग कब तक धीरज रखते? मजदूरों ने अपना धीरज खोकर क्या साबित कर दिया है? हाँ, क्या हासिल किया है सिवाय मालिकों के नफरत के? अपनी जायज मांगों को आप लोगों ने नाजायज शक्ल दे दी है, बस। अब तो मैं भी उनके पास जाकर आप लोगों की डिमांड नहीं रख सकता। आपने तो उनसे इतनी बातें की, कुछ फायदा हुआ बताइए? जब मेरी कोशिशों का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आप लोगों का लीडर क्यों बना हुआ? ठीक है, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। एकनाथ भाई, आप इस्तीफा क्यों देंगे? हमारा ये मतलब नहीं था, आप बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। वाह, आप लोग अपनी मनमर्जी भी करेंगे और चाहेंगे कि मैं आप लोगों को सपोर्ट भी करूं, तो ये नहीं होने वाला है। आप लोग अगर दादागिरी पर उतर आए हैं तो मुझे माफ कीजिए, मेरा ये तरीका नहीं है। एकनाथ भाई, हम वादा करते हैं आगे से ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। लेकिन मैं ये आसानी से भूलने वाला नहीं हूं, मुझे ये पता चलना ही चाहिए कि बेहुदा हरकत किसने की है, वरना आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे आज के आज ये मालूम होना चाहिए कि किस मजदूर ने ऋषभ मल्होत्रा पर हमला किया है, वरना न कल से आप मुझे देखेंगे और न मैं आपका चेहरा देखना पसंद करूंगा। तो मुझे पता है ये हरकत किसने की है। नानी। अरे तुम दोनों आ गए? अरे तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए?
बस आ गए। तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा था नानी। पगली, हनीमून पर दिल सिर्फ पति पर लगाया जाता है। अभी ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है, लेकिन ये बताओ इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या पड़ गई? ओहो नानी, मैं जरा नहा लूं, फिर बैठ के ढेर सारे बातें करेंगे। ओके, तुम सवाल पूछती जाना और मैं जवाब देती जाऊंगी। ओके ओके। हनीमून कैसा लग रहा है? खास नहीं लग रहा। क्या तुम दोनों में झगड़ा हो गया? हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ नानी, और सच तो यह है कि उसने आपको मिस भी नहीं की। क्यों नानी, जितनी तकलीफ सुनकर आपको होगी उससे कहीं ज्यादा मुझे हो रही है। आफ्टर ऑल शी इज माई वाइफ। तुम कौन सी तकलीफ की बात कर रहे हो? नानी सच्चाई तो यह है कि ये दिन जो हम दोनों ने एक साथ बिताए, मैंने एक चीज रियलाइज की है, एंड आई कांट बी रॉन्ग। क्या नानी? बबली कभी बहुत एबनॉर्मल बिहेव करती है, और मैं उन छोटी छोटी शिकायतों के बारे में बात नहीं कर रहा जैसे उसका टेम्पर वगैरह। नानी बबली इज नॉट नॉर्मल, दिमागी तौर पे उसके कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। शी नीड्स हेल्प नानी। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल मिस्टर मल्होत्रा। आपका जख्म वक्त से पहले ही हील अप हो गया, आप जब चाहें घर जा सकते हैं। अरे डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं तो अभी घर जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स और नर्सेस को छोड़कर कोई चाहकर यहाँ आता है या यहाँ रहता है। ओके, मैं आपकी डिस्चार्ज स्लिप तैयार करवा देता हूँ, और अगर आप चाहें तो आपके घर में इन्फॉर्म भी करवा देता हूँ। नहीं नहीं, घर मत फोन कीजिएगा, क्योंकि वहां अचानक पहुंचकर मैं माँ को और पूजा को सरप्राइज करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। हाउ इज ही नाउ डॉक्टर? रेडी टू बी डिस्चार्ज। थैंक यू। फिट एज अ फिडल। गुड परफॉर्मेंस ऋषभ। थैंक यू। तुम तो हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रहने वालों में से नहीं हो। दुआ मांगने वाले इतने लोग आसपास हों तो मैं जल्दी कैसे ठीक नहीं होता? लेकिन स्वेतलाना, ताज्जुब की बात तो यह है कि यहां आने के बाद मुझे सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया, तभी तो पूजा से कहलवाकर तुम्हें यहां बुलवाया। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं नहीं जानता। इसमें हैरानी की बात नहीं है ऋषभ, क्योंकि बहुत साल पहले तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। उस वक्त केशव और मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहते थे। केशव को तो फिर भी मजबूरी में ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी। कई बार कुछ लम्हे याद नहीं रहते ऋषभ, लेकिन उनका असर दिमाग पर बना रहता है ना? है तुम लोगों का उत्सव इंतजाम करने का आदत छूट गया। जरा जल्दी मिलन करवाओ, हम प्यासे मरे जा रहे हैं। दादा, इतने दिनों बाद फिर शराब? अरे आज ऋषभ भैया हमारा दिल खुश कर दिए, ऐसे मिले हमसे कि आज हम जो करूंगा ना कम करूंगा। वो आदमी हमसे ऐसे मिला कि हम पिघलकर पानी हो गया, माथे पे तनिक भी सिकन तक नहीं। अगर ऋषभ भैया समझते हैं ना कि हम उनके साथ बुरा नहीं किए हैं, तो अगर हम बुरा किए भी हैं तो हमका कोई फिक्र ना है। लेकिन दादा, आप शराब काहे छोड़े रहे? बहुत बड़ा बेवकूफी रही हमरा। दादा, एक बहुत बड़ी खबर मेरे हाथ लगी है। का? वो आदमी था ना जिसे आपने मल्होत्रा इंडस्ट्री के बाहर खल्लास किया था दद्दा, वो छोटे नवाब का आदमी था।
देविका, 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 क्या हुआ देविका, क्या हुआ? रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। वो आदमी है कोई भूत प्रेत नहीं, जो कहीं भी घुस आएगा। रिलैक्स। वो भूत प्रेत से भी ज्यादा खतरनाक है। कहीं भी कभी भी आ सकता है। नहीं, he's gonna come and kill me. बेबी, तुम अपनी घबराहट की वजह से इलॉजिकल होती जा रही हो। भला उसे कैसे पता चलेगा कि हम दोनों यहां हैं? फर्ज करो अगर पता चल भी गया तो कम से कम फोन तो करेगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें डराने का कोई नाटक कर रहा है। He means no harm to you. जो आदमी इतनी कामयाबी से केशव मल्होत्रा जैसी शख्सियत का कत्ल कर सकता है, मेरा कत्ल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। He's just too damn clever. तुम्हारा मतलब केशव भाई साहब का खून इसी आदमी ने किया है? कौन है आदमी? I don't know. ना उसका नाम जानती हूँ ना पता, सिर्फ उसकी आवाज पहचानती हूँ, वो भी फोन पर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम उस आदमी को जानती नहीं, तुमने कभी उसे देखा नहीं, पहचानती हो तो सिर्फ उसकी आवाज, और वो भी फोन पर। इट्स ऑल योर इमेजिनेशन। इट्स नॉट माय इमेजिनेशन। मैं केशव के साथ थी जब उसकी मौत हुई थी। क्या, जब केशव की मौत हुई तुम वहां थी? मुझे मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया था केशव की मौत की साजिश में। तुम्हें मोरा बनाकर? देखो, जिस दिन केशव भाई साहब की मौत हुई थी, मुझे उस दिन के बारे में तुम सब कुछ बताओ, सब कुछ। नहीं, ये आदमी मुझे इसीलिए धमकी दे रहा है क्योंकि वो चाहता है मैं किसी को कुछ ना बताऊं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो मुझे सब कुछ बताओ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। आई एम नॉट श्योर आई शुड। तुम्हें मेरी कसम, मुझे सब कुछ बताओ देविका। आई वॉन्ट टू हेल्प यू देविका, टेल मी। शांति खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा